हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम और साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में एक दो क्वेश्चन मैंने ग्रामर के भी रखे हैं जिन्हें मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। किससे पूछा है फ्रेंड्स? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से पूछा है। दैट विच इज़ आउटडेटेड आर आउट ऑफ यूज। तो इसका देखिए फ्रेंड्स क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रचलित ना हो तो उसका हो जाएगा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रचलित। अप्रचलित फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? अप्रचलित। ओके फ्रेंड्स, और देखिए एनसीएन का मतलब होता है प्राचीन। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। एंशियंट का मतलब भी प्राचीन होता है और एंशियंट का मतलब भी क्या होता है फ्रेंड्स? प्राचीन होता है। ओके फ्रेंड्स, और स्टेबल एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, क्या स्टेबल दिया है फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या होता है? स्थिर। दैट वी कॉल कांस्टेंट, उसे क्या कहते हैं? स्थिर कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आप जानते हैं ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्सोल्यूट ये वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि अप्रचलित इसका मीनिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरे से मिलना नहीं चाहता, जो किसी से मिलता है उलता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम असामाजिक व्यक्ति कहते हैं, अनसोशिएबल व्यक्ति कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा फ्रेंड्स? डी वाला ऑप्शन। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, एक ऑप्शन दिया है थीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान में क्या रखता है, विश्वास रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और बीगोट। बीगोट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कट्टर। कट्टर इंसान, जैसे कि आतंकवादी हो गए जो कि अब मतलब ऐसे होते हैं जो कि कट्टर होते हैं फ्रेंड्स। सो आतंकवादी नहीं कर सकते हैं, खैर इन्हें नहीं कर सकते हैं स्पेशली, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कट्टर होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे आतंकवादी क्या हो गए? मारने के लिए कट्टर हो गए। और भी बहुत सारे लोग होंगे जैसे कि किसी धर्म को लेकर कट्टर हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को बिगॉट कहा जाता है जो किसी एक चीज़ के लिए कट्टरपंथी करते हैं, ऐसे लोग को कट्टर बिगॉट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एकतंत्र होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। वन Who does not mix freely with others, that we call unsociable. Okay, friends, let's move on our third question. देखिए friends, क्या है third वाला? क्या है? Choose the correct word. Offer word दिया है, इसको correct बताना है कौन सा correct है। तो friends देखिए, सभी जो है third form में लिखे गई हैं, तो कौन सा सही है? आप खुद से पहले offer की meaning लिखिए। ओ डबल एफ ई आर होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं। उसमें आप धीरे से ई डी चिपका दीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स मिलता है इससे। तो आप देखेंगे अपने नज़रों से तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ए वाला सही है और बाकी सब क्या है? गलत है फ्रेंड्स। तो ए वाला हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गुलीबल। गुलीबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? भोला, जिसे मतलब आसानी से बुद्धू बनाया जा सके, जिसे आसानी से मतलब भोला इंसान कह सकते हैं। जैसे आप समझते होंगे कोई इंसान जो जिसे उल्लू बनाया जा सकता हो, आसानी से भोला कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजिड। रिजिड का एंटोनिम का कैसे होगा फ्रेंड्स? तो आप समझ सकते हैं रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। समवन हु इज़ रिजिड, मतलब बहुत ही कठोर व्यक्ति, तो इससे हम क्या कहते हैं? रिजिड कहते हैं दोस्तों। तो गुलीबल का क्या हो जाएगा? एंटोनिम रिजिड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखिए, और एक डिस्ट्रस्टफुल का आप जानते हैं, अनकंपनीएबल का भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, यह अनरिलायबल रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यारा आपकी स्क्रीन पर। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं ऐसे सब जिसके लास्ट में क्या आता है? वाई आता है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं प्लूरल? तो वाई को हटा के आई ई एस चिपका देते हैं। तो बेबीज कौन से ऑप्शन में है? ए वाले में। तो ए वाला इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स,
लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, फार्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड वॉइस। फ्रेंड्स देखिए, वॉइस से हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव वर्ड। तो एडजेक्टिव इसका क्या हो जाएगा, पहले आप जान लें वॉइस है क्या। फ्रेंड्स क्या है, नाउन है। वॉइस क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है। और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एडजेक्टिव होता है वोकल। एडजेक्टिव फ्रेंड्स इसका क्या होता है, वोकल होता है। तो वोकल कौन से ऑप्शन में फ्रेंड्स, सी वाला ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके फ्रेंड्स, देखिए रेंज, रेंज का मतलब दोस्तों क्या होगा, विस्तार कर सकते हैं, सीमा कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसे विस्तार या सीमा या फैलाव, विस्तार या सीमा या फैलाव कर सकते हैं फ्रेंड्स। रेंज को क्या कह सकते हैं, सीमा या फैलाव। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, एक्सपेंस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लेबल का मतलब जानते हैं, स्तर होता है, और स्टैंडिंग का मतलब खड़ा होता है, ग्रेड का मतलब, ग्रेड का मतलब दोस्तों क्रम होता है शायद, ग्रेड का मतलब यही होता है, और रैंक वैंक होता है फ्रेंड्स। तो आप इसे देख लेंगे और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हमें कंजंक्शन भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में, ब्लैंक में। देखिए फ्रेंड्स क्या है, ऑल्दो सी वर्क्स हार्ड, तो ऑल्दो के साथ किसका पेयर चलता है फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको ग्रामर तो नहीं बताया है, लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन रखता हूँ ग्रामर के, ताकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे फ्रेंड्स। देखिए तो ऑल्दो के साथ कौन सा पेयर चलता है, ऑल्दो के साथ एट का पेयर चलता है फ्रेंड्स। तो एट कौन से ऑप्शन में, बी वाले, तो बी वाला इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ऑल्दो सी वर्क्स हार्ड एट सी फेल्स, मतलब यद्यपि वो मेहनत करती है फिर भी वो फेल हो जाती है, तो इसका मीनिंग यह निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। इस चारों पार्ट में से, पांचों पार्ट में से जो भी दिया हो, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा पार्ट इरर है उसे हम बताना है, उसे चूज करके सही करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर नो इरर है तो नो इरर पे क्लिक करेंगे। द फ्लॉक ऑफ लॉयंस रोम्ड अबाउट फेल। देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया कहाँ पे इरर है। देखिए फ्रेंड्स, फ्लॉक जो होता है इसका मतलब होता है झुंड, फ्लॉक का मतलब झुंड होता है, फ्लॉक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, झुंड होता है, और इसी में गलती है। आप कहेंगे फ्रेंड, आप कहेंगे कैसे, देखिए द फ्लॉक ऑफ लायंस, तो आप कहेंगे कि ये शेरों का झुंड तो कैसे गलत कैसे हो गया। देखिए फ्रेंड्स, फ्लॉक का यूज हम पंछियों के लिए करते हैं, पंछियों के लिए करते हैं, पंछियों के झुंड के लिए करते हैं फ्रेंड्स। फ्लॉक का यूज किसके लिए करते हैं, पंखियों के झुंड के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और लायन का, लायंस के झुंड के लिए किसका करते हैं फ्रेंड्स, प्राइड का। फ्रेंड्स किसका यूज़ करते हैं, प्राइड का। तो आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्राइड का यूज कर सकते करते हैं लायंस की ग्रुप के लिए। तो इस वाले ए वाले पार्ट में एरर है, तो ए वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा, इसे हम क्लिक कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शायद ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। हाँ, आखिरी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। ओके फ्रेंड्स, देखिए, टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी, मतलब ऊपरी मंजिल का खाली होना। वैकेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रिक्त होना या फिर खाली होना। तो फ्रेंड्स इसे आप रिलेट करेंगे, रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप मतलब आपका ऊपरी मंजिल खाली है, अपने दिमाग, अपने शरीर से खुद को जोड़िए इसको। अगर आपका ऊपरी मंजिल खाली, यानी दिमाग खाली है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका दिमाग कमज़ोर है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कैसे, टू बी फीबल माइंडेड, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर दिमाग वाला। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग कमज़ोर हो, तो उसे क्या कहते हैं, टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, तो यह इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो आप शेयर ज़रूर करें, और आपको मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।